Few months back, OnePlus came up with its new band in India. That is OnePlus Band. Well, who don't know, this band is a rebranded model of Oppo Band. And Oppo, OnePlus, Vivo are the sub-brands of a single BBK Electronics. So these are like ek hi thali ke chatte bate kind of brand. So now, again, OnePlus Band is rebranded as Oppo Style Band in India, and there is not much of the difference, like bahut hi kam difference aapko dekhne ko milega. And the band is like 98% similar. Aur wo 2% kyun similar nahi hai, wo aapko batate hain is particular video mein. Aur aapke saath sabko share karte hain ki 1 month se zyada ho gaya isko use karte hue. So should you buy it or not? Aur kya kya cheeze hain is particular brand mein? Aur what are the things that I like about the OnePlus Band? Or aka the Oppo Band. So without wasting further more time guys, let's get straight into it. So at first we'll talk about the design and build. If you look at the band, then we'll get to know that 98% band is similar to OnePlus Band. Now why 98%? Because the Oppo Band is using a stylish strap. Ab inka apna naming scheme hai stylish strap. Actually strap काफ़ी ज़्यादा अलग और unique design का है. आपको एक framing मिलता है metal के ring जैसा बना हुआ जिसके side से दो straps connected है, तो काफ़ी ज़्यादा unique लगता है देखने में और overall काफ़ी ज़्यादा stylish लगता है, तो इसलिए style नाम रखा है यहाँ पे. That's the only difference. बाकी सारी चीज़ें same हैं और 98% band पूरा similar है. तो अगर आप लोगों का फुल रिव्यू चेक करना है OnePlus Band का, जो AKA Oppo Band है, तो यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा आप लोग को, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. और इस वीडियो में भी आपको सब कुछ बताता हूँ मैं. सो द ओवरऑल डिज़ाइन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बट ऑन द टॉप ऑफ इट यू गेट अ ग्लास स्क्रीन विच इज़ लुकिंग काइंड ऑफ गुड. और ऊपर में आपको ओलिफोबिक कोटिंग भी मिल जाती है, तो ओवरऑल आपको टच एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे देखने को मिलेगा. दिस इज 50 मीटर वाटर रेसिस्टेंट सेम एज OnePlus Band, तो आप इसको पानी में डिक कर सकते हो अंडर अ डेप्थ ऑफ 50 मीटर्स और ये आराम से सर्वाइव भी कर जाएगा अंदर तक. टॉकिंग अबाउट द वेयरिंग एंड कम्फर्टेबिलिटी, इट इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल एंड द स्ट्रैप्स आर ऑफ गुड क्वालिटी. तो आप इसको अपने थिन रेस्ट पे भी पहन सकते हो, गोरिल्ला रेस्ट पे भी पहन सकते हो और मीडियम रेस्ट पे भी अच्छा लगेगा. और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा लुक एंड फील इसका अमेजिंग है. और ओप्पो बैंड में तो लाइक आप यूज़ कर सकते हो वो स्टाइल वाला बैंड जो मिल रहा है साथ में, तो वो और ज़्यादा मस्त लगेगा देखने में यहाँ पे. नाउ कमिंग टू द फीचर्स एंड मोड्स, तो इसमें सारे वही फीचर्स हैं जो OnePlus Band में आपको देखने को मिलते हैं. ये Oppo स्टाइल बैंड है, जो आपको हर्ट रेट स्कैनर मिल जाता है जो 24 आवर्स हर्ट रेट मॉनिटरिंग को सपोर्ट करता है, तो ये दिन रात आपकी हर्ट रेट को मॉनिटर करता रहेगा आराम से और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. द सेकंड सेंसर डैट इज़ प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बैंड इज SPO2 का सेंसर, तो इसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी आप मेजर कर सकते हैं जैसा आप उसमें कर सकते थे, और काफ़ी अच्छा है. लाइक इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगा था सेंसर यूज़ करने में OnePlus Band में, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है वो. द थर्ड थिंग इज़ द स्लीप मॉनिटरिंग, तो इसमें स्लीप मॉनिटरिंग का भी आपको फीचर मिल जाता है, तो आप रात में सोओगे तो ये ट्रैक कर लेगा उसको. बट देर इज़ वन थिंग दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंड इज़ नैप मोड. इसमें नैप मोड का फीचर नहीं है, तो ये मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी, क्योंकि जितने भी इस प्राइस रेंज के फिटनेस ट्रैकर्स आते हैं, और ओप्पो बैंड थोड़ा ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है मेरे को लग रहा है ऐसा. और मी बैंड 5 आप चेक करोगे जो काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, उसमें भी नैप मोड मिलता है. और ऑनर बैंड 5 जो काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, लाइक 1-2 साल हो गए उसको, उसमें भी आपको नैप मोड का फीचर मिलता है. तो ओवरऑल ये थोड़ा सा डील ब्रेकर हो जाता है यहाँ पे. सो नाउ द फोर्थ फीचर इज 12 वर्कआउट मोड्स. सो इफ विल गो इन टू द मार्केट नाउ डेज, देन विल गेट टू नो कि 90+ वर्कआउट मोड्स आपको बाकी सारे बैंड्स में, स्मार्ट वॉचेस में, फिटनेस ट्रैकर्स में देखने को मिलते हैं, लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं. बट एक मिथ है जो मैंने बाकी सारे वीडियोस में क्लियर कर रखा है, तो इसमें आपको 12 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इसमें कम है, बट ये 12 वर्कआउट मोड्स जो हैं ये सारे लाइक स्टैंडर्ड वर्कआउट मोड्स हैं जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली करोगे, लाइक हर एक स्टैंडर्ड मोड आपको काम में आ जाएगा. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो 12 वर्कआउट मोड डाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है. नाउ द लास्ट फीचर दैट इज़ हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर बैंड इज कॉल मैसेज का नोटिफिकेशन. तो यू कैन गेट द कॉल मैसेज नोटिफिकेशन इन कॉल, यू कैन कट द कॉल और यू कैन साइलेंट द कॉल ऑन द गो. आप उठा नहीं सकते कॉल, आप रिप्लाई विथ मैसेज नहीं कर सकते. नोटिफिकेशन आपको सारे मिल जाएंगे इसमें, जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो. थर्ड पार्टी क्या मतलब, जितने भी ऐप्स यूज़ करते हो आप अपने मोबाइल में, आपको सारे के नोटिफिकेशन इसमें सिंक हो जाएंगे. बट आप रिप्लाई नहीं कर सकते, और ऐसे भी इतने छोटे से स्क्रीन पे कैसे ही रिप्लाई करोगे आप. तो ये सारे फीचर्स थे जो हाईलाइटेड फीचर्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दिए हैं. कमिंग टू द चार्जिंग, इन दिस पर्टिकुलर बैंड यू आर गेटिंग अ फ्लेक्सिंग चार्जिंग डॉक, जिसमें मतलब कि आपको बैंड से डॉक निकालना पड़ेगा कैप्सूल और चार्जिंग डॉक में लगाना पड़ेगा.
दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल ह्यूज डील ब्रेकर फॉर मी, क्योंकि अभी जितने भी बैंड्स आ रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पे, सब में आपको मैग्नेटिकली अटैचिंग चार्जिंग डॉक मिलता है और इस बैंड में वो चीज़ नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डील ब्रेकर है मेरे लिए, मेरे लिए अब होता है यार, मतलब आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे ना, दे विल गेट टू नो कि हाँ यार ये चीज़ रियली में बहुत ज़्यादा मीन करती है, तो हो सकता है आपको भी दिक्कत हो इसमें, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। कमिंग टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव विद दिस पर्टिकुलर बैंड, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि आप छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा ऐसे चुटकी भर का चाट मसाला ऊपर चढ़ा देते हो या फिर नमक डाल देते हो तो कितना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है फूड। तो उसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा मीन करती है डेली लाइफ में और आप एक्सपीरियंस करोगे, तो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं वो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द हैप्टिक फीडबैक। इसका हैप्टिक फीडबैक जो वाइब्रेशन मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही स्मूथ फील करता है वाइब्रेशन और आपको अच्छा लगता है रिस्ट पे। बाकी सारे वॉचेस की तरह नहीं बन 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 कर रहा है, मतलब क्या है यार, वैसे कौन करता है। ये काफ़ी ज़्यादा मस्त वाइब्रेट करता है और आपको अच्छा लगता है हैप्टिक फीडबैक इसका। और ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल है, आपको पता नहीं चलेगा, इट इज़ वेरी लाइट वेट और अच्छा लगता है यार, बहुत स्मूथ फील होता है और आपको हर बार पता चल जाएगा हाँ भाई नोटिफिकेशन है, अलार्म बज रहा है, कॉल आ रहा है, सब पता चल जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग दैट इज इंस्टेंट नोटिफिकेशन। मतलब कि बाकी सारे बैंड्स में क्या होता है ना, एक थोड़ा सा डिले होता है एक सेकंड का या फिर लेटेंसी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको कॉल आया विद इन अ सेकंड, सेकंड भी नहीं लगेगा, जैसे फ़ोन बजा वैसे ये बजेगा, जैसे फ़ोन नोटिफिकेशन आया वैसे इस पे आएगा, जैसे म्यूजिक आप जैसे यहाँ पे टच करोगे नेक्स्ट ट्रैक तुरंत नेक्स्ट ट्रैक जाएगा, पॉज करोगे तुरंत पॉज होगा, लेटेंसी एकदम कम इसमें देखने को मिली मेरे को और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे ये चीज़। नाउ द थर्ड थिंग इज़ द यूज़र इंटरफेस एंड स्मूथनेस। अब इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड रहता हूँ हर एक वॉचेस में, क्योंकि मेरे को अगर यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ट लगा ना वॉच का तो मेरे लिए वो वॉच इनक्रेडिबल हो जाता है, और इस केस में वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मेरे को। मैंने नॉइस को क्यों ख़राब बोला, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस एकदम टट्टी था, बट इसका यार एकदम मस्त है, मैं बता रहा हूँ, देखने में फील काफ़ी सही आती है यार। अब देखोगे आइकन्स वगैरह क्या मस्त लगते हैं देखने में, यूज़ करोगे एकदम स्मूथ फील होंगे, अब वॉच फेसेस को यहीं से स्वाइप करके चेंज कर लोगे, ब्राइटनेस वगैरह घटाओगे बढ़ाओगे, क्या मस्त मज़ा आ जाता है। तो ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है इसको यूज़ करने का और जो आइकन्स वगैरह पॉलिश्ड है स्मूथनेस है यूज़र इंटरफेस में, वो अमेजिंग है। तो गाइज कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट कि ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है, वन प्लस बैंड और ये ओप्पो बैंड में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पूरा सेम है बैंड, बस डिफरेंस ये है कि दोनों का स्ट्रैप अलग है। अब अगर इसमें आप ओप्पो बैंड वाला स्ट्रैप लगा दोगे ना तो वो सेम हो जाएगा, और अगर आप उसमें वन प्लस वाला लगा दोगे तो सेम हो जाएगा, बस डिफरेंस यहाँ पे स्ट्रैप का है, जो स्टाइलिश स्ट्रैप बुला रहा है ओप्पो इस चीज़ को। तो अब बात करते हैं ये बैंड आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो खरीदना चाहिए आपको अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, आपको अगर चाहिए स्टाइल वाला स्ट्रैप, बट ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो डील ब्रेकर है, जैसे कि चार्जिंग डॉक वाला सीन जो मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि जो वन प्लस बैंड है वो थोड़ा सस्ता मिल रहा है यार, तो आप वन प्लस बैंड खरीद लो ना, सेम चीज़ है, हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम है, खाली स्ट्रैप्स का अंतर है, वो स्ट्रैप्स के लिए आपको इतना चार्ज कर रहे हैं, तो बस यही डिफरेंस है। तो आप अपने हिसाब से सोच लो आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे कार्ड पे चेक करो ना, बहुत सारे वीडियोस मैंने लिंक कर दिए हैं, अब देख लो अपने हिसाब से। सो गाइज दैट्स द प्रीमियम शिट फॉर द वीडियो गाइज, होप यू गाइज एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो, इफ एंजॉयड इट देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कूल एंड ऑसम वीडियोज लाइक दिस। आई विल कैच यू गाइज लेटर ऑन नेक्स्ट कमिंग वीडियो, टिल देन अ पीस आउट गाइज एंड बाय।